विश्व हिंदू महासंघ द्वारा हिंदू स्वाभिमान दिवस के अवसर पर गोष्ठी किया गया आयोजित। हापुड़ में हिंदुत्व पुनर्जागरण के महानायक लोक सन्यासी योगी आदित्यनाथ महाराज के 52वें जन्मोत्सव साप्ताहिक हिंदू दिवस के अवसर पर ग्राम सिखेड़ा में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपाश शंकर महाराज का स्वागत किया गया। जहां से पहले देवंद से चलकर हापुड़ विश्व हिंदू महासंघ हापुड़ द्वारा निकाली यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपाश शंकर महाराज ने लोगों को संबोधित करते हुए शपथ दिलाई कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, सब प्रथम हम हिंदू हैं और धर्म हमारा सनातन है। इस मौके पर अर्चना भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मातृशक्ति प्रकोष्ठ नीरज शर्मा, विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष संजय त्यागी, जिला प्रभारी के साथ साथ विनोद सक्सेना, संजय गुप्ता, विनोद शास्त्री, सोनू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हापुड़ से अभिषेक कश्यप की ये खास रिपोर्ट। सिंपल सा एक संकल्प, एक सूत्र है कि मेरे समाज का, मेरे देश का दादा, मैं उनका दिया वस्त्र डालता हूँ, उनका दिया कार में चलता हूँ, उनका दिया मोबाइल यूज़ करता हूँ। मेरा मात्र अपने जीवन का ये लक्ष्य है कि मेरा समाज जातियों में ना बटे, एक हिंदू होकर रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं और सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अपने धर्म पर जो टिका रहे उससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने उसको किया है, मैं उनका नाम लेकर देखिए फिर जाति का नाम नहीं लूंगा, पर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया मध्य प्रदेश की। यूपी में भी ऐसी चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी चल रहा है, हम संत रविदास से बड़े नहीं हैं। संत रविदास ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो संत रविदास ने कहा मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं, और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे दादा, मैंने एक शब्द हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला तो क्यों काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं? पत्रकार होने का अर्थ ये नहीं, तो हिंदू दादा, हिंदू होना कोई गुण, हिंदू होना एक गुनाह है? नहीं तो फिर कैसे कह रहे हैं? मैं हिंदू हूँ तो हिंदू नहीं रहूंगा, क्या चाहते मुस्लिम हो जाऊं? फिर कैसी बात कर रहे हो यार, गंदी बात। एक क्वेश्चन, आप हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं तो मैं हिंदुओं को एक कर रहा हूं यार, कर रहे हैं जागरूक कर रहे आप एक बात सोचिए, मेरे पूरे वक्तव्य में आपने कहीं देखा मैंने किसी मुस्लिम के विरोध में, क्रिश्चियन के विरोध में बोल? यार अपनों को जोड़ना, परिवार को जोड़ना कहां गुनाह है? भीमराव अंबेडकर चाहते थे समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे समाप्त हो, संत रविदास चाहते थे समाप्त हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, तो मैं तो उन्हीं की ही विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूं। आप क्या चाहते थे अंबेडकर जी की बात काट दूं क्योंकि आप नीचे खड़े होकर पूछ रहे हैं? गलत बात दोस्त। अभी आप जैसे दिल्ली में एक लड़की को मार दिया गया साक्षी में, मैं जाकर गाया हूं वहां पर भाई, इसमें क्या, मैं जाकर आया हूं वहां पर, वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उनके परिवार से भी मिलने नहीं दे रहे थे, पर मैं जाकर मिला ना उनसे। अन्याय नहीं, न्याय, अन्याय तो, अन्याय तो उसने कर ही दिया साहिल ने, अब न्याय मिलना चाहिए, और अगर जो मुझे लगता है कि न्याय देश की राजधानी में नहीं मिलता तो फिर मिलेगा कहाँ? जो स्थिति, बस इतना सा कहूंगा, वो आरोपी सौभाग्यशाली है कि दिल्ली में है, यूपी में होते तो उनको पता लगता कैसे न्याय होता है। एक बेटी को, देश की बेटी को मार दिया जाए, बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है, कौन मार सकता है ऐसे किसी की बेटी को? कोई प्यार में मारता है क्या? जानवरों की तरह श्रद्धा को मारा, जानवरों की तरह साक्षी को मारा, क्यों भाई? मुस्लिम हो जाऊं फिर कैसी बात कर रहे हो यार, गंदी बात। एक क्वेश्चन, आप हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं तो मैं हिंदुओं को एक कर रहा हूं यार, कर रहे हैं जागरूक कर रहे आप एक बात सोचिए, मेरे पूरे वक्तव्य में आपने कहीं देखा मैंने किसी मुस्लिम के विरोध में, क्रिश्चियन के विरोध में बोल? यार अपनों को जोड़ना, परिवार को जोड़ना कहां गुनाह है? भीमराव अंबेडकर चाहते थे समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे समाप्त हो, संत रविदास चाहते थे समाप्त हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, तो मैं तो उन्हीं की ही विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूं। आप क्या चाहते थे अंबेडकर जी की बात काट दूं क्योंकि आप नीचे खड़े होकर पूछ रहे हैं? गलत बात दोस्त। अभी आप जैसे दिल्ली में एक लड़की को मार दिया गया साक्षी में, मैं जाकर गाया हूं वहां पर भाई, इसमें क्या, मैं जाकर आया हूं वहां पर, वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उनके परिवार से भी मिलने नहीं दे रहे थे, पर मैं जाकर मिला ना उनसे। अन्याय नहीं, न्याय, अन्याय तो, अन्याय तो उसने कर ही दिया साहिल ने, अब न्याय मिलना चाहिए, और अगर जो मुझे लगता है कि न्याय देश की राजधानी में नहीं मिलता तो फिर मिलेगा कहाँ? जो स्थिति, बस इतना सा कहूंगा, वो आरोपी सौभाग्यशाली है कि दिल्ली में है, यूपी में होते तो उनको पता लगता कैसे न्याय होता है। एक बेटी को, देश की बेटी को मार दिया जाए, बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है,
कौन मार सकता है ऐसे किसी की बेटी को? कोई प्यार में मारता है क्या? जानवरों की तरह श्रद्धा को मारा, जानवरों की तरह साक्षी को मारा, क्यों भाई? क्या हिंदू की बेटी बेटी नहीं है? मैं देश के गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सजा मुकर्रर हो कि अगली बार आदमी की रूह कांपे किसी बेटी को देखने से पहले। मैत्री गार्गी अनसुईया हम लोग इनको पूछते हैं, लोकामुद्रा इनको पूछते हैं, पूछते क्या इनको मानते हैं। मगर एक बात मैं बड़ी मजबूती के साथ कहूंगा, बेटी चाहे किसी की हो, बेटी बेटी है, किसी में मतलब सब आते हैं, किसी की हो बेटी बेटी है, मगर एक बात उससे बड़ी कहूंगा कि सबसे बड़ा जो जहर हम लोगों में जातिवाद का घोला गया, इसको समाप्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये समाप्त नहीं होता तो भविष्य में नस्लों के लिए तकलीफ होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए तकलीफ होगी। मुझे गर्व अपने हिंदू होने पर है और मुझे लगता है हर हिंदू को होगा, चाहे वो आप हो चाहे मैं। महाराज जी आपने एक बहुत अच्छी बात नाम निकाला आप क्या है, आप उसके कुछ आगे के लिए प्रणाली बताएंगे क्या रहेगी? देखिए आज 197 दिन हो गए मैं आपके साथ इधर हापुड़ में खड़ा हूँ, कल 198 दिन है ये यात्रा, भिक्षा यात्रा गाजियाबाद में होगी, तो इसी तरह से ये यात्रा चलती रहेगी। पर हाँ, इस भिक्षा यात्रा में ना तो दाल आटा चीनी चावल और ना ही पैसा मांग रहे हैं महाराज जी, इसमें सिर्फ चाहिए तो जातियों में बटा हुआ सनातन मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दे। और जिस दिन हम लोग एक साथ खड़े होकर के एक हिंदू होने के स्वाभिमान को अपने को जी पाएंगे तो हमें लगता है कि दुनिया के तख्त पर पुनः हिंदुस्तान भी और जो हापुड़ में हुआ वो हमारा हिंदू भाषण का एक ही उद्देश्य है, सभी हिंदू जातियों में नफरत कर एक छतरी में नहीं और सभी आदित्यनाथ जी सभी प्रदर्शन में एक अच्छी रैली का उद्घाटन किया है, तो इस पर थोड़ा सा कार्यशैली पर अपना प्रकाश डालेंगे कि किस आज हमने संतों के सम्मान में शोभा यात्रा का आयोजन किया है। इसमें सम्मान किया गया है मोदी जी का जमीन का जो आज हमने किया है और इसमें